नमस्कार दोस्तों, इजी लॉशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि बेल बॉन्ड क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक क्रिमिनल केस में जब कोई FIR दर्ज होती है तो पुलिस जो है वो मुलजिम को पकड़ के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जज साहब जो है, अगर अपराध जो है वो जमानती है तो जज साहब ऑर्डर कर देते हैं रिक्वेस्ट पे कि भाई जो मुलजिम है इसको जो है आप 50,000 रुपये के बेल बॉन्ड पे जो है ना छोड़ा जाता है, या फिर मान लीजिए कहते हैं कि भाई 20,000 रुपये के आप जो है बेल बॉन्ड ले आओ, और अगर मान लो अपराध जो है गैर जमानती है तो उसमें उसकी कस्टडी केस के इफेक्ट्स के बाद देखने के बाद जो है कोर्ट उसको जमानत पे छोड़ता है। तो जब भी कोई जमानत होती है तो उसमें जो है कोर्ट श्योरिटी मांगता है, और जो आप वर्ड सुनते हैं कि 50,000 रुपये की जमानत के बेल बॉन्ड ले आइए या 20,000 रुपये के बेल बॉन्ड ले आइए, तो वो जो है एक श्योरिटी अमाउंट होती है। तो एक जमानत में एक जमानती होता है जिसे श्योरिटी बोला जाता है, कई जगह इसको जामिन भी बोला जाता है। वो जो है श्योरिटी देता है कोर्ट को कि अगर एक्यूज्ड पेशी पे नहीं आया तो मैं जो है इसको लेके आऊँगा, या फिर मैं 50,000 रुपये का जो है जुर्माना कोर्ट में फाइल करूँगा, या फिर मान लीजिए जितने रुपए की जमानत है कि भाई 20,000, 50,000, 70,000, उतने रुपए जो है कोर्ट में बतौर फाइन डिपॉजिट करवाऊँगा। तो ऐसे में बेल बॉन्ड का मतलब क्या है? जनरली आपने बॉन्ड वर्ड सुना होगा, किसी भी जो एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, कोई नौकरी पे जाते हैं तो वो आपसे बॉन्ड साइन करवाते हैं कि अगर आप इतने टाइम से पहले अगर एम्प्लॉयमेंट से बाहर जाएंगे, नौकरी छोड़ के जाएंगे, तो आपको जो है ना इतने रुपए जमा कराने पड़ेंगे, या आपको जो है ये निम्नलिखित शर्तें होंगी। तो उसी प्रकार बेल बॉन्ड भी, जो बेल हुई है, जो जमानत हुई है, उसकी शर्त ही है कि भाई अगर जमानती कोर्ट में एक्यूज्ड को नहीं लेके आया पैसे पे उसके डिसअपीयरेंस के बाद, उसकी नॉन प्रेजेंस के बाद, तो वो जमानती को जो है पैसे भरने पड़ेंगे। तो बेल बॉन्ड वो डॉक्यूमेंट है जो जमानती एग्जीक्यूट करता है, और उस बेल बॉन्ड में क्या कंटेंट होते हैं, बेल बॉन्ड में जो है वो डिटेल लिखी जाती है कि भाई केस का नाम मान लीजिए स्टेट वर्सेस एक्स है, उसकी FIR नंबर इतना है, वो अंडर सेक्शन जो है उसके अंदर लिखे जाते हैं, उसके बाद जो है उसमें थाने की डिटेल होती है, कोर्ट का नाम होता है, उसके बाद उसमें ये भी लिखा जाता है कि कितने रुपए की जमानत पे जो है ये बाहर आया है, और उसमें एक एफिडेविट भी लगता है कि भाई बतौर जमानत मैं श्योरिटी के तौर पे जो प्रॉपर्टी की डिटेल यहाँ दे रहा हूँ वो मेरी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी के बेस पे मैंने कहीं और जमानत नहीं दी हुई। तो अब आपने जाना कि भाई बेल बॉन्ड क्या होते हैं, उसमें क्या लिखा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।